होता है। बावजूद अंधे कानून पर लोगों का विश्वास भगवान पर विश्वास करने के बराबर होता है। इसी विश्वास ने आज एक महिला को न्याय के दरवाजे तक पहुंचा दिया। न्याय के मंदिर में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता ने बताया कि सहतवार थाने में 4 दिसंबर 2019 को हत्या करने के आरोप में पीड़िता के पिता ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पति पत्नी को आरोपी बनाया गया था। आज इसी न्याय की लड़ाई को पीड़ित परिवार के वकील ने कोर्ट से न्याय दिलाया, जहां कोर्ट ने दोनों पति पत्नी को बेकसूर बताया है। वहीं पीड़ित महिला अपने पिता को दोषी बता रही है। इसके साथ ही पीड़िता ने बताया कि जो अपराध हमने नहीं किया उसकी सजा 1 साल 3 महीने तक अपने 3 साल के बच्चे के साथ पूरी की है। आज कोर्ट से हमें न्याय मिला है। वहीं न्याय मिलते ही पीड़िता की आंखों से आंसू छलक पड़े। मंद बुद्धि की थी और अपने बच्चों का परवरिश ठीक से नहीं कर पा रही थी, तो परिवार की सहमति से ही उसकी सगी बहन रानी वर्मा से लक्ष्मण की शादी हो गई। और उसके बाद से ये लोग जो है लक्ष्मण वर्मा से कुछ पैसे का लोभ देख करने लगे। और ये करने कौन लोभ कौन करने लगा लक्ष्मण? उसके गुड़िया के माँ बाप। तो गुड़िया के माँ बाप क्यों पैसे का लोभ करने लगे? अब इसमें तो यही देखने में आ रहा है, क्योंकि रानी वर्मा से शादी करने में सहमति थी, रानी वर्मा से शादी हो गई और वही बाद में यमन बुद्धि की छत से गिर गई और गिर गई तो इसको चोट लगा। इसका इलाज खुद लक्ष्मण वर्मा यहाँ से लेकर जो ट्रामा सेंटर तक इसका इलाज कराए।